अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। IMF ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे, मईशत नीचे जाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इंतशार का डर है, ये IMF कह रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये क्यों, दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी, तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते हैं आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा और इसलिए एक ये वजह है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलके अपना आर्मी चीफ अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे।